हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो वेलकम टू आवर चैनल एस के क्रिएशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो स्क्रैप्स फैब्रिक होती है ना, उनका यूज़ हम कैसे करें वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्रैप फैब्रिक को यूज़ करके कुछ ज़रूरत की चीज़ें बनाई हैं। तो हमने यहाँ पर जो फैब्रिक ली है उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर और लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसके बाद इसके लिए हम एक बाथिंग फैब्रिक लेंगे और लास्टली हमने एक लाइनिंग लिया है। ये हमारी पहली पीस हो गई। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक लिया है जो हमारी स्क्रैप फैब्रिक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये स्मॉल स्मॉल से पीसेस हैं। तो ये जो पीस है ना, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई सेम 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हमने 2 स्क्रैप फैब्रिक और 2 मैंने मिडिल लेयर लिया है, ये देखिए। और इसका यूज़ हम पॉकेट बनाने के लिए करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, हमें इसके चारों साइड में ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे की साइड में, फिर ये साइड, हमें चारों साइड में सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, हम इसके मिडिल में भी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जो यूनिक आइडिया है स्ट्रैप फैब्रिक को यूज़ करने का, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। और साइड में जो बेल का आइकन हो उसे भी दबाना ना भूले। इस तरीके की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो हमारी मेन फैब्रिक थी ना, हमने उसके ऊपर सिलाई कर ली है और उसके मिडिल में कोई डिज़ाइन भी बना लिया है। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा स्क्रैप पीस था ना, उसे हमें सेट करनी है। एक फैब्रिक लेना है और एक लाइनिंग फैब्रिक, और उसे उल्टा करके फोल्ड कर लेना है स्मॉल सा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे फोल्ड करने के बाद ना, इसकी जो लेंथ है वो 10 और चौड़ाई 14 हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने फोल्ड किया है और हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है चारों साइड में, और इसके मिडिल में भी हम सिलाई करेंगे। दोनों में सेम सिलाई करनी है। तो चलिए हम इसके ऊपर भी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने से पहले फैब्रिक को हम पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे ताकि फैब्रिक इधर से उधर ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 पीस हो गए। ऊपर की साइड में हमारा फोल्डेड प्लेस होगा और हम बीच में इसके बॉक्स बनाएंगे। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरीज हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई हो चुकी है और सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पीस था हमने उसकी भी सिलाई कर ली है। अब इसे इन दोनों जो पीस है ना, इसे हम हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें सेट करेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसे उल्टा करेंगे, जो अंदर में वाइट वाला जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक था ना वो अंदर में आएगा और इस पॉकेट को हम इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे। एक नीचे होगा और एक ऊपर की साइड में इस तरीके से आएगा और बीच में हमारा 4 सेंटीमीटर का गैप होगा और इसके बाद हमें फैब्रिक के चारों साइड में सिलाई लगानी है। तो चलिए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बहुत ही आसानी से जो हमारे टुकड़े होते हैं कपड़े के, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, उससे आप बहुत सारी यूनिक चीज़ें बना सकते हो। और ये जो हमने बनाया है ये बहुत ही यूज़ का सामान है फ्रेंड्स। इसमें हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब हमारे पास रखने के लिए प्लेसेस नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पॉकेट वाला पर्स बनाकर उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो। हमने चारों साइड में सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद ना, जो भी एक्स्ट्रा साइड में फैब्रिक बाहर आया होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में भी हमारी बहुत सारी फैब्रिक बाहर आई है और इस साइड में भी, तो उसे हम फैब्रिक के शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे इस तरीके से और फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। जिस भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे आप कट करके निकाल लें। और इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इसके जो हमारा साइड है ना वहाँ पर फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए हमने एक फैब्रिक यूज़ किया है, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू फैब्रिक जितना यूज़ होगा हमने उतना लिया है। इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और इसे हम मिडिल से रखेंगे इस तरीके से फैब्रिक पे और सिलाई करते जाएंगे और इसे हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। मतलब इसमें हम एक अच्छे तरीके से लेस अटैच कर रहे हैं। सो इस तरीके से, ये भी हमारा कोई फैब्रिक था जिसका कोई यूज़ नहीं था तो हमने उसे इसमें लगा लिया। फाइनली फ्रेंड्स, सारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये जो हमने सिलाई किया है ना, ये देखिए, ये सिलने के बाद ये डिज़ाइन का होगा। और उसके बाद जो हमने लेस लगाया था ना, उसके ऊपर की साइड में हम एक बार टॉप में स्टिच देंगे ताकि फैब्रिक एकदम परफेक्ट सेट हो जाए और ये निकले ना। सो इस तरीके से हमें इसके चारों साइड में टॉप में स्टिच देनी है और ये सिलाई का लास्ट प्रोसेस है। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी स्टेप्स में बना सकते हो आप, कोई मेहनत नहीं लगती है इसे बनाने में।
सो ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारा फर्स्ट पॉकेट, फिर देन ये हमारी सेकंड पॉकेट, और इसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसे हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ पर हम जो मिडिल वाला प्लेस है ना, यहाँ पर निशान बनाएंगे और जो टिक टैक बटन होते हैं फ्रेंड्स, उसे हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को अंदर रख कर इसे बंद कर ले और वो गिरे ना। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड में ये स्मॉल सा जो बटन है ये लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सिलाई कर लिया है और ये फाइनली बंद कर रेडी हो चुका है, और ये हमारा डॉक्यूमेंट कैरी बैग रेडी है। और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो इसमें आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट, देखिए हमारा कार्ड हो गया, फिर हमारे जो भी ATMs वगैरह होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, उसे हम आराम से कैरी कर सकते हैं। जो स्मॉल स्मॉल से चीज़ें होती हैं, हम अपने फ़ोटोज़ भी इसमें कैरी कर सकते हैं। सो इसका फाइनल लुक आराम से देख लो आप इस तरीके से फ्रेंड्स। ये ना बहुत बड़ा प्लेस होता है, इसके अंदर बहुत काफ़ी प्लेस होता है, तो बहुत सारी सामान आराम से आ सकती हैं, और ये ट्रैवलिंग फ्रेंडली है, तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। होप आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल। टेक